अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे पीछे जो है सेटिंग कुछ चेंज नज़र आ रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वो जो छोटा केज आपको नज़र आ रहा है वो मैंने जो है इधर रखा था और इस बड़े केज को जो है मैंने उधर रखा था, तो ये कुछ सेटिंग सही नहीं लग रही थी और बर्ड्स वगैरह को जो परेशानी हो रही थी, तो मैंने जो है वो छोटा केज उधर सेट कर दिया और बड़ा केज जो है इधर सेट कर दिया। और ये जो बड़ा केज आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे जो है छोटे इसमें पोर्शन थे, तो इसके अंदर जो है मैंने एक एक पेयर छोड़ा था, तो पेयर जो हमारे पास ज़्यादा थे लेकिन बर्ड्स जो है वो बर्ड्स ज़्यादा थे और जो हमारे केजेस के जो पोर्शन हैं वो कम थे, तो बर्ड्स ज़्यादा होने की वजह से मैंने फिर इसमें से दरमियान में से पार्टीशन इसकी निकाल दी और उसके अंदर जो है एक खाने के अंदर मैंने तीन जोड़े छोड़े हैं। पहले इसमें दो जोड़े आ रहे थे, अब मैंने इसमें तीन जोड़े छोड़े हैं, तीन ऊपर हैं, तीन यहाँ छः हो गए हैं और बाकी ये दो जो है ये अलग-अलग हैं और कुछ फालतू पीसीज हैं वो इधर हैं। और यहाँ पर जो है आपको फिंचिस की कॉलोनी नज़र आ रही होगी छोटी सी, फिंचिस की भी जो है आज हमने पेयरिंग वगैरह कर रही हैं। इसके अंदर जो है मेल जो है हमारे पास ज़्यादा हैं और फीमेल्स जो हैं वो कम हैं, तो हमने जो है फीमेल्स के हिसाब से जो है इसके अंदर मेल्स की क्वांटिटी रखनी है ताकि वो आपस में पेयर बनाएं और लड़ाई ना करें। और डव का जो है मैंने जैसे ही केज इधर शिफ्ट किया था, इधर मैंने जो है नेस्टिंग इनका ये लगा दी थी टोकरी जिसमें ये अंडे देते हैं, तो इन्होंने जो है पेयरिंग वगैरह कर ली थी और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अंडा दे दिया होगा। काफ़ी देर से जो है ये इसके ऊपर बैठी हुई है, तो इसको बाद में चेक करेंगे। तो आप सबको मालूम है सितंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। सितंबर का महीना जैसे ही शुरू होता है तो ब्रीडिंग सीजन जो है इन बर्ड्स का स्टार्ट हो जाता है। सब जो है जितने भी ब्रीडर्स हजरात हैं वो जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस वगैरह जो है अपने केज के लगा देते हैं, तो मैंने भी जो है अभी इंशाल्लाह बॉक्सेस वगैरह लगाने हैं, इनकी ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट करवाने हैं। बॉक्सेस वगैरह यहाँ रखे हैं, कुछ मटकियाँ वगैरह होंगी, मटकियाँ लगाएंगे, कुछ बॉक्सेस वगैरह लगाएंगे। तो इस केज में जो है ये सामने आपको तीन तीन जोड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें तीन तीन जो है बॉक्सेस वगैरह लगा देंगे ताकि ये ब्रीड स्टार्ट कर सकें। और नीचे जो है अगर किसी खाने में बॉक्सेस वगैरह कम पड़ गए तो मटकियाँ लगाएंगे, बाकी फिंचिस को भी जो है मटकियाँ वगैरह देंगे, नेस्टिंग मटेरियल वगैरह जो है वो इनको देंगे ताकि ये जो है अपनी ब्रीडिंग ये भी स्टार्ट कर सकें। इनका भी मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें से जो है मेल एक्स्ट्रा मेल होंगे वो हम निकाल लेंगे और उनको अलग कर देंगे और फीमेल के हिसाब से जो है इसके अंदर मेल छोड़ेंगे, फिर जो है इनका जोड़े वगैरह बनेंगे और इनको नेस्टिंग मटेरियल वगैरह देते हैं ताकि ये ब्रीड स्टार्ट कर सकें। तो अभी जो है अपने केजेस के अंदर जो है हम बॉक्सेस वगैरह ये यहाँ पर पड़े हैं ये लगाते हैं बॉक्सेस वगैरह, और इनकी भी जो है ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो बॉक्सेस वगैरह लगाते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो ये जो आपको बॉक्सेस यहाँ नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये देखें आप हुक लगे हुए हैं और इसके पीछे जो है मैंने ये कीले वगैरह लगाई हुई हैं ताकि हम ये जो फोल्डिंग वाले केजेस होते हैं इसके अंदर जो है इजीली इनको अटका सकें, लगा सकें। लेकिन इनकी जो तारें हैं वो ऊपर वाली जो है इनकी जो छत है उससे नीचे है, वो आपको नज़र आ रही है सेकंड फर्स्ट फ्लोर में जो है वो नज़र आ रही है आपको। लेकिन अगर मैं उधर बॉक्सेस वगैरह लगाऊंगा तो बॉक्सिंग जो है वो काफ़ी नीचे आ जाएंगे और केज में जो है जगह ज़्यादा घेरेंगे, तो मैंने जो सोचा कि बिल्कुल इनको जो है छत के साथ ऊपर करके लगाना है उसका एक तरीकाकार मैंने निकाला है। ये आपको तो छोटे छोटे हुक नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने जो है काफ़ी सारे हुक बनाए हैं, इन हुक के ज़रिए जो है हम बॉक्सेस के जो यहाँ पर हमने हुक की जगह दी भी है उसके थ्रू जो है एक हुक उसमें लगाएंगे और एक जो है वो ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगाने के बाद बॉक्सेस का ये होगा कि वो बिल्कुल ही ऊपर करके लग जाएंगे और बर्ड्स को भी जो है ब्रीडिंग के लिए वो जगह वही चूज़ करते हैं जो सबसे ऊपर होती है। जैसे मटकी यहाँ पर बिल्कुल छत के साथ लगी हुई है, बर्ड जो है ऐसी जगह पर जो है ब्रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम जो है इन हुक्स के ज़रिए ये मैंने जो है हुक्स वगैरह बना लिए थे, हुक्स वगैरह बनाने के बाद ये आप जो मटकी बांधने वाली तार होती है उसके थ्रू जो है आपने उसको तोड़कर काटकर या किसी भी तरीके से इस तरह हुक को जो है प्लास से मोड़कर जो है इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह बनाकर जो है मैं इन सारे केजेस के अंदर इनको हुक को लगाता हूँ। हुक लगाने के बाद जो है फिर ये हम बॉक्सेस वगैरह लगाते हैं, कुछ मटकियाँ वगैरह वो लगाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉक्सेस जो हैं केजेस के अंदर लगा दिए हैं। पहले जो ऊपर वाला पोर्शन था इसमें तीन जोड़े थे, मैंने तीन बॉक्सेस लगाए हैं। थोड़ी सी इसके अंदर नेस्टिंग भी रखी है, वो इसलिए मैंने नेस्टिंग रखी है, इनको वैसे ज़रूरत नहीं होती नेस्टिंग की, लेकिन बॉक्स की जो ज़मीन होती है जिससे अंडे देने होते हैं बर्ड्स ने वो जो है बिल्कुल सीधी होती है, तो अंडे जो है हिले ना ताकि इधर उधर से अपनी जगह से सरक कर दूसरी जगह ना चले जाएँ, इसलिए थोड़ी बहुत जो है नेस्टिंग वगैरह डाल दी है। तो ये भी जो है अपनी चोंच को उतर कर जो है एडजस्ट कर लेंगे, तो जब अंडे देंगे तो अंडे जो है एक ही जगह रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे, ना सरकेंगे ना इधर उधर जाएंगे, तो वो ख़राब नहीं होंगे। इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग डाली है ये। और दूसरे खाने में आप देख सकते हैं तीन बॉक्स लगाए हैं, तीन जोड़े हैं, ये नीचे पार्टीशन है, एक एक जोड़ा तो एक एक बॉक्स लगा दिया,
और ये आखिरी वाले खाने में दो जोड़े हैं। तो इधर जो है बॉक्सेस ख़त्म हो गए थे, तो मैंने जो है यहाँ पर मटकियाँ लगा दी हैं। मटकियों में ये ब्रीड करेंगे। देखें, जैसे ही मटकियाँ लगाई हैं मैंने, फीमेल जो है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पहले से जो है ब्रीडर पेयर है हमारे पास। आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, इसने काफ़ी ब्रीड्स की थी। और एक ये जोड़ा है, ये भी इंशाल्लाह जल्द जो है ब्रीड करना शुरू करेगा। तो अब बारी है फिंचेस की जो है, अब हम इसमें से पेयरिंग वगैरह करते हैं। इसमें जो है मेल्स जो हैं फालतू हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें से मेल्स निकाल कर जो है किसी दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करते हैं। और फीमेल, जितनी फीमेल्स होंगी उतनी जो है हम इसके अंदर पेयर लगाएंगे, जितनी फीमेल्स होंगी उतने मेल छोड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से जो है इसके अंदर इनके बॉक्सेस या मटकियाँ वगैरह लगाते हैं, ताकि ये भी ब्रीड कर सकें। तो अभी जो है इनकी मटकियाँ वगैरह लगाते हैं, फिर इनको बॉक्स नेस्टिंग वगैरह देते हैं। तो फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जो है नीचे इसकी स्टिक हट गई है, इनकी स्टिक हटाता हूँ तो ये परेशान हो गए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो है जिसमें फालतू और एक्स्ट्रा मेल थे वो सारे के सारे हमने जो है निकाल लिए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तकरीबन इसके अंदर 7 मेल हैं। 7 मेल जो थे वो हमारे पास फालतू थे, और तकरीबन अब जो है उसके बाद 6 जोड़े बचे हमारे, 3 जोड़े बचे हमारे पास, जिसमें से 6 पीस हैं टोटल। ये आपको दिख रहे हैं 3 फीमेल हैं और 3 मेल है, जो इसमें जिनमें से सबसे अच्छे मेल थे ना वो मैंने निकाल के इसके अंदर रख दिए हैं, बाकी सारे जो है मैंने निकाल दिए हैं। इसके अंदर जो है 3 जोड़े हैं, और हम अभी 3 मटकियाँ लगाते हैं इनके, क्या कहते हैं, ब्रीडिंग के लिए। तो और ये बाकी वाले जो है ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लैदा कर लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ये तकरीबन 7 मेल हैं जो फालतू हैं। इनका भी कुछ बंदोबस्त करते हैं, या तो फीमेल लेकर आते हैं या फिर एक्सचेंज करवाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं इनका। और यहाँ पर जो है अभी मटकियाँ वगैरह लगाते हैं और इनकी जो है पेयरिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने जो है फिंचेस के लिए मटकियाँ वगैरह लगा दी हैं। 3 जोड़े थे तो मैंने 3 मटकियाँ ही लगाई हैं, और इसके अंदर जो है जैसी मैंने मटकियाँ लगाई हैं तो जो है पेड़ जो हैं वो मटकियों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा मिट्टी के अंदर, अभी जाके अंदर फ्लोर करेंगे, जगह देखेंगे और अपने हिसाब से जो इनको पसंद होगी वो जगह बना लेंगे, तो फिर ये ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। और ये मेल जो है मैंने यहाँ रख दिए हैं, यहाँ पर मैंने इनको अलहदा कर लिया था, और इनको जो है अभी दाना पानी रखते हैं। ये 7 मेल हैं जो एक्स्ट्रा थे उसके अंदर, और अब वो जो है पेयर मुकम्मल हो गए, 3 पेयर मुकम्मल हो गए, तो आसानी से ब्रीड कर सकेंगे। अगर मैं इसी के अंदर जो है 3 मटकियाँ लगा देता और वो सारे जो है मेल इसी के अंदर होते, तो वो इन सबको परेशान करते और इनको ब्रीड ना करने देते। याद दे सकते हैं आप, अगर जब भी फिंचेस की कॉलोनी लगाएं या कोई भी किस तरह केजेस में रखें, तो आपने जो है जितने पेयर होंगे उसी के हिसाब से मटकियाँ लगानी हैं और उतने ही पेयर रखने हैं, ताकि जो है दूसरे मेल जो हैं वो उनको परेशान ना करें या दूसरी फीमेल जो है वो उनको परेशान ना करें। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने जो है मटकियाँ भी लगा दी हैं और नेस्ट बॉक्स भी लगा दिए हैं। अब जो है सिर्फ इनको नेस्टिंग वगैरह देने की ज़रूरत है। नेस्टिंग वगैरह दूंगा तो ये नेस्टिंग शुरू कर देंगे और अपनी ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है अपनी चिंचिस को नेस्टिंग मटेरियल भी दे दी है और अपने सारे पैरट्स को जो है ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिए हैं, और जिनको मटकी की ज़रूरत थी उनको मटकियाँ लगा दी हैं, जिनको बॉक्स की ज़रूरत थी उनको बॉक्स लगा दिए हैं। अब इंशाल्लाह जो है फिंचिस जो है ऑलरेडी मैंने जैसे नेस्टिंग वगैरह उसके अंदर रखी है, वो जो है अपने नेस्टिंग वगैरह लेके जाना शुरू कर दिया उन्होंने मटकी के अंदर, तो इंशाल्लाह जल्द जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगी। और पैरट्स जो है वो भी इंशाल्लाह जल्द ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने देखा है कि 2-4 जो है जोड़े वो बॉक्सेस के अंदर मटकियों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द जो है ब्रीडिंग आएगी। आप लोग दुआ भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, अगर कोई इसके अंदर चेंजेस वगैरह करनी है या कुछ इसमें मज़ीद बेहतरी हो सकती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।